पर थोड़ा ही वक्त बाकी है। क्या हम इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते हैं कि एटलीस्ट 33% इम्पावरमेंट पॉलिटिकली होगा महिलाओं? आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, परसों नहीं होगा, 29 में होगा, 29 में नहीं होगा, 35 में होगा, कभी तो होगा। एक कम से कम तैयारी तो कर दी, कभी ना कभी तो होगा, कभी ना कभी तो होगा। और इस पे नाम मोदी जी का होगा ये भी तय हो गया। देखिए दोनों चीजें हुई हैं, जैसे नई संसद एक प्रतिनिधि जो थे प्रवक्ता पार्टी के, उन्होंने कहा ना कि क्यों बुलाया गया, तो उसमें उन्होंने भूल गए कि उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी का पावन दिन है, गणेश चतुर्थी को उन्होंने किस तरह से जोड़ा, संगोल युग को किस तरह से जोड़ा महिला वंदन बिल से। मैं दो चीजें कहना चाहूंगी ब्रिजेश जी, आपके यहाँ बहुत गंभीर चर्चा चली इस पर। निश्चित तौर पर इस बिल को लाकर मोदी जी ने यह तय कर दिया कि राम मंदिर के साथ साथ 2024 में उनको महिला वोटों की सख्त जरूरत है, मिलेगा इस कदम से। इंडिया गठबंधन से जिस तरह से बेचैनी है, और इसमें सारा का सारा जमीन पे किस तरह से मशक्कत होगी इंडिया गठबंधन की, विपक्ष की, क्योंकि यह दरअसल एक धोखा बिल है। महिला आरक्षण अभी मिला नहीं है, कब मिलेगा इसका टाइम फ्रेम सुनिश्चित नहीं। दो चीजों के साथ जिस तरह से उसे जोड़ा गया है, इसमें बहुत सी चिंताएं हैं, जो चिंताएं सदन के भीतर आई, आज नहीं कल होगा, संघर्ष भीषण होगा। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है, मुझे डिबेट भी बहुत एक अहम है। शुक्रिया।